हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वावे की P40 प्रो का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप लेवल का अच्छा सा फ़ोन है, जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था 26 मार्च 2020 को। ये कुछ डिटेलिंग दी हुई है, जो कि 8 GB और 256 GB के वेरिएंट के साथ आता है, और ये सिल्वर कलर में है, क्योंकि मुझे सिल्वर कलर में इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने यही मंगवाया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लास्टिक की रैपर से। तो इस साइड में पीछे दोनों तरफ YP44 की ब्रांडिंग है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा। ये फ़ोन इंडिया में आपको 72,000 के आसपास मिल जाएगा। तो ये है अंदर हमारा फ़ोन, ये इसमें वावी लिखा हुआ है। तो इस फ़ोन का डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 6.58 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलेगा, 1200x2640 का रेजोल्यूशन, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। पीछे क्वाड कैमरा सेटअप भी आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथली चलता है। ये साइड में बटन दी हुई है। इसके प्लास्टिक के रैपर को हम निकालते हैं, इसको अभी साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलेगा। इसमें से हम डॉक्यूमेंट दी हुई है, और ये है एक सिम इजेक्टर टूल। ये वारंटी कार्ड है, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, बेकार देते हैं ये फ़ोन के साथ। और ये है हमारा सिम इजेक्टर पिन, जिसको हम अभी निकालेंगे इसके अंदर से। तो ये बहुत ही टाइट से लगा हुआ है, तो इसको हम निकालते हैं अभी। और ये निकल गया। तो ये है हमारा सिम इजेक्टर पिन। तो ये फ़ोन की जो प्रोसेसर है वो 2.86 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, HI सिलिकॉन किरिन 990 का। तो बॉक्स में ये है हमारा चार्जर, जो कि वाइट कलर में है। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके जो पॉड्स है। तो ये करीब ये 40 वाट का फास्ट चार्जर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपके फ़ोन को चार्ज कर देता है। और ये है USB टाइप सी केबल, जो कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको दी जाती है, जो बहुत दिनों तक आपका साथ निभाएगी। और ये एक USB टाइप सी हेडफोन है, क्योंकि इस फ़ोन में 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलेगा आपको। तो अब हम फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, जो EMUI 10.1 पे चलता है। तो इसकी प्लास्टिक की रैपर्स को हम हटा लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। नीचे ये स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट और ये सिम स्लॉट दी हुई है, और प्री इंस्टॉल्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब हम निकाल दिए हैं इसको प्लास्टिक की रैपर से। ये सिल्वर फॉन्ट मैट फिनिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती है ये फ़ोन। और इसमें पीछे ग्लास बॉडी है, और साइड में सभी मेटल्स की बॉडी है। इसमें आपको ऊपर IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा, जो कि काम आता है मोबाइल को DVD प्लेयर, TV, STV कंट्रोल करने में। जो 32 MP का इसमें सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, और पीछे आपको जो कैमराज मिलेंगे वो 50 MP का प्राइमरी कैमरा f1.9 aperture के साथ, और सेकंड 40 MP f1.8 aperture के साथ, और थर्ड 12 MP f3.4 aperture के साथ, और फोर्थ डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा। ये फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, ये देखिए EMUI 10.1 पे। अभी इसको सेटअप कर लेते हैं। तो अभी देखिए कुछ शॉट्स कैमरा के, जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो में। थैंक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी एक
गिव अवे वीडियो भी लाने वाले हैं।